उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है। बैठक में सीटों को लेकर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। उत्तराखंड में करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी आम राय नहीं बना पाई। हालांकि 40 से ज्यादा सीटों पर आम सहमति के बाद प्रत्याशियों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया गया। आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों पर मंथन होगा जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। उनमें दोनों की ओर से पसंदीदा दावेदारों को जिताऊ बताते हुए लिखित ब्यौरा दिया गया। प्रदेश के दिग्गजों के तर्कों को पार्टी के सर्वे के आधार पर भी परखा जाएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।